थैंक यू। चलो अभी हो गया ना स्टार्ट। यस मैम। ठीक है वो चल। सबसे पहले तो आई वॉन्ट आंसर, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्किल? स्किल क्या होता है? और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश एनी लैंग्वेज, आप मुझसे सवाल कर लिया करिए इन बिटवीन, नो इश्यूज। क्या होता है स्किल? व्हाट इज स्किल? आर्ट ऑफ डूइंग वर्क इफेक्टिवली। यस एंड एनीथिंग एल्स? यस मैम, मैं डेफिनेशन दूं मैम। हाँ दीजिए बिल्कुल। जी मैम, जैसे आदमी को लगभग तीन तरीके की क्रिएटिविटी होती है, आर्ट, साइंस और जो है कि टेक्नोलॉजी का। ठीक मैम, आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस, आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस होता है। तो जो क्राफ्ट होता है, क्राफ्टमैनशिप, जिसे हमने वेल्डिंग कराना सीख लिया, साइकिल बनाना सीख लिया, से वेल्डिंग एक तरह की क्राफ्टमैनशिप होती है। तो ऐसा वोकेशनल एजुकेशन जिससे हमें अर्निंग मिलता है करने के पे, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, उसको स्किलिंग बोलते हैं। यह लगभग 3 महीने से लेकर के साल भर तक का होता है, 2 साल तक का भी होता है, उसके ऊपर के इंजीनियरिंग कहलाती है। यस मैम। थैंक यू, गुड। अच्छा ये बताइए, लाइक स्किल, सिर्फ सिंपल स्किल मैंने, जैसे स्किल होता है तो स्किल होता है, चलो आर्ट ऑफ डूइंग थिंग किसी ने कहा, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये एक स्किल होता है क्या? ये मैम कम्युनिकेशन स्किल होता है, चीज कही जाती है इसको। इसको उसको कोई नाम होता है क्या स्किल का? कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं मैम, कम्युनिकेशन स्किल। नहीं वो तो है, लेकिन इसको मैं स्किल में भी कुछ टर्म देते हैं क्या, स्किल के अंदर भी बोलते हैं क्या, ये स्किल है या ये स्किल है? जैसे मैम फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बैरियर होता है उस सब में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो चीजें की जाती हैं, तो स्किल होगा एक तरीके से जानकारी में। गुड, वेरी गुड। नॉन मतलब नॉन वर्बल और वर्बल होता है, एक तो हम बोल रहे हैं पर इसमें भी है ना, कोई एकदम आया आपसे उद्दंड तरीके से बात करके चला गया, तो क्या उसके अंदर स्किल है क्या वो? नहीं मैम, क्योंकि स्किल में एक सेटअप होता है, सेटअप क्वालिफिकेशन पैक होता है कि क्या क्या एक जानकारी होनी चाहिए, जॉब रोल टाइप तरीके होता है। हाँ स्किल सेटअप कम्पिटेंसी होती है कि जिसे हमें बोलने के तरीके की कम्पिटेंसी है, तो वो तरीके बोला जाता है कि कितनी लिस्ट ऑफ कम्पिटेंसी एक साथ मिलाई जा रही है, वो सेटअप स्किल कही जाती है। यस वेरी गुड। अब मैं सपोज किसी का सामने वाले का मुंह बना है, मैंने उसको देखा और मुझे समझ आ गया अच्छा ये उदास है, तो उससे उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का स्किल हुआ। या कोई शॉप पे हम जाते हैं, वो बंदे को कुछ हम सेल करते हैं, तो वो भी एक स्किल है। मतलब कोई वो बंदा हमसे कुछ सेल करता है बहुत अच्छे तरीके से, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो आर्ट ऑफ उसका सेल करने का तरीका है, तो ये सारे किस में आते हैं? ये सब आते हैं मैम आपके ये उस? इंट्रो पर्सनल स्किल में आता है, एक इंट्रो हाँ पर्सनल स्किल आता है, एक बहिर्मुखी प्रशिक्षु, एक अंतर्मुखी स्किल होता है कि जो देखते ही समझ जाते हैं, हाँ ऐसा बहुत, मार्केटिंग और रिटेल में स्किल में होता है। हाँ बहुत बढ़िया। ये सब में और सब कुछ अलग अलग टर्म दिया है, तो जो हमारे अंदर के स्किल होते हैं, जो बिहेवियर वो होते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल, और जो हम टेक्निकल स्किल्स हमारे होते हैं कुछ भी काम सीखना, या हम कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, पार्डन, इट्स अ काइंड ऑफ इनहांसिंग द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। यस ऑफ कोर्स, एनी स्किल इज एनहांस, लाइक इफ इट इज अपग्रेडेड तो परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज। इधर इट इज सॉफ्ट स्किल, सपोज समवन इज इन द मार्केटिंग फील्ड, तो इफ द पर्सन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड ऑल आर एनहांस, देन दैट पर्सन विल लाइक प्रोग्रेस मोर इन दैट फील्ड। बट इन द फील्ड वेर वेल्डिंग वर्क इज रिक्वायर्ड और वेर इंजीनियरिंग वर्क इज रिक्वायर्ड, सो दैट स्किल्स आर लाइक अपडेटेड, देन दैट इज हार्ड स्किल्स, द स्किल्स विच लाइक आर रिलेटेड टू डूइंग लाइक समथिंग, एनी लाइक विच इज इन्वॉल्व इन एनी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट इज पर्सनैलिटी, लाइक वॉट एवर टेक्निकल स्किल्स वी डेवलप दैट इज हार्ड स्किल। ओके तो सिंपल हम थोड़ा सा इससे स्टार्ट करते हैं। स्किल्स रेफर्स टू द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्टिकुलर टास्क,
अब लकड़ी तोड़ना है तो लकड़ी तोड़ने के भी तरीके होते हैं, उसको कैसे हम स्किल्ड हो सकते हैं, बोलते हैं ना कि ये बहुत अच्छा कारपेंटर है, उसका वो स्किल है कारपेंट्री। ये सारे हमारे हार्ड स्किल्स में आते हैं, टेक्निकल जो भी है। जॉब वेल विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टेक्निकल एलिमेंट्स एंड बिहेवियर। तो द टेक्निकल इज हार्ड स्किल एंड द बिहेवियर वाला जो पार्ट है दैट इज सॉफ्ट स्किल। दिस मीन दैट स्किल इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन विथ एक्सपर्टाइज, सो वन शुड बी एक्सपर्ट इन दैट। थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव मेड स्किल्स अ नेसेसरी एसेट फॉर एवरी वर्कर टू वर्क इन एन इनोवेटिव फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव मैनर। पहले क्या था, लाइक इन बैंक्स वगैरह हैंड वर्क बहुत होता था, नाउ दे ऑल आर ट्रेंड। अब बैंक के एम्प्लॉइज को कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे काम करना है सिखाया गया, तो दैट स्किल हैज बीन डेवलप्ड। थोड़ा मोड़ा सबको आता होगा कंप्यूटर में, बट दैट वोंट वर्क। सो दैट स्किल हैज दैट टेक्निकल स्किल हैज टू बी हैड टू बी डेवलप्ड, देन ओनली दे कुड वर्क, एंड दैट इज स्किल डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ स्किल्स, स्किल्स आर एंड मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, who is there? I just I'm sorry to interrupt in your class. Smriti, ma'am, good evening, ma'am. Sorry, ma'am, आवाज recognize करने time लग गया. Yes, ma'am. मेरा तो ये भारत का झंडा बना होता है मेरे इसमें, आप देख सकते हैं. नहीं मैं एक्चुअली मुझे अपना स्लाइड दिख रही है इसलिए। अच्छा अच्छा ओके 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 मैम, मैं जस्ट ये कह रही थी कि अगर पॉसिबल हो तो आप ब्रेक ना लें, भले आपकी क्लास थोड़ी जल्दी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स टुकड़ों में हो रही हैं, रिकॉर्डिंग्स टुकड़ों में हो रही हैं, तो इट्स नॉट इजी टू अपलोड देम, दे आर इन पार्ट्स। ओके ठीक है मैम, ठीक है। वन और टू मिनट्स ब्रेक कैन बी अवॉइडेड, I mean, it can be recorded also. Okay, okay. ठीक है, no issue. ठीक है. Please carry on and make someone a co-host. You are already paid, I think. I have made Anita a co-host. Okay, yes, okay. Please carry on. Okay, thank you, Anne. Thank you. Okay. नाउ टाइप्स ऑफ स्किल, जैसे हमने बात किया, दे आर सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल आर रिक्वायर्ड बाई अ पर्सन टू डील विद डे टू डे इंटरेक्शन। दे फर्दर डिवाइड इन टू पर्सनल एंड सोशल स्किल्स, हाउ यू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ यू टॉक टू अदर्स, सारा कुछ दैट इज इंक्लूडेड इन अ सॉफ्ट स्किल। पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटी विच कॉम्प्रोमाइजेज नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिमेम्बरिंग एबिलिटी। When we talk about soft skill, तो of course हमने किसी से क्यों लिखा है, remembering is there, knowledge is there, कि knowledge in the sense we learn things from our society, how to behave, how to talk to someone, बचपन से सीखते हैं, we are not born with that, right? Though it is genetic also, like we inherit, अगर पापा मम्मी में किसी में बहुत गुस्सा है तो हमारे अंदर भी वो चीज develop होती है। Then reasoning, we reason out and then we अच्छा ये आदमी क्यों ऐसे कर रहा है, how this person, why this person, then we behave accordingly. So these are all skills. These ability help the person to adapt to the environment by using experiences, understanding complex things with reasoning and resolving basic problems with reasoning and knowledge. And social skills are linked to a person's communication ability that include interaction and listening, teamwork. Listening is both verbal and non-verbal. कोई चुप बैठा है तो क्यों बैठा है, ऐसा उसका non-verbal भी and बातें हमको समझ आए और उसके action से and जो वो बोल रहा है वो भी। Teamwork, self-control, leadership and networking ability. These abilities help a person interact effectively. Hard skills are acquired by a person to keep oneself up to date in changing situations. Hard skills allows a person to be what he is, an engineer, a physicist, a philosopher. Hard skills are also known as specific competency
because they require the acquisition of knowledge and expertise in a specific area to perform a specific work. बचपन से हम चीजों को देख के कुछ चीजें सीख जाते हैं, but when we ask कि हमें वो बनाना है, हवाई जहाज बनाना है और उसके लिए वो स्किल सीखना है, उसके पार्ट पुर्जे बनाने हैं, एक इंजीनियर है या खराब गाड़ी खराब है उसको किसी ठीक करना है मैकेनिक को, तो वो देख के ऐसे नहीं सीख सकते, राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू गेट ट्रेंड. सो नाउ वी कम टू स्किल डेवलपमेंट. सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर टू बी डेवलप्ड, वेदर इट इज सॉफ्ट स्किल ऑल्सो यू नीड टू डेवलप इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, बिकॉज विथ हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल इज इक्वली रिक्वायर्ड. कि कहाँ कैसे बात करना है, एक प्रेजेंटेशन देना है तो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव. सो इट इज नॉट ओनली हार्ड स्किल, तो सॉफ्ट स्किल तो साथ साथ हमारे लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है. And hard skill development is very important to get job, to do work. Government of India has a special focus towards skill development to cater to the growing scientific sector. This sector requires special skills to carry out research and innovation like big data analysis, operation of special equipment and so on. Development of such skills can remove disconnect between demand and supply of skilled manpower, build the vocational and technical training framework, skill upgradation, जो like bank का मैंने बात किया, जो skill थोड़ा मोड़ा लोगों को था and that was upgraded and so skill upgradation, new skill taught, so vocational training given, so all the this is very important for to meet the demand of the market ka jo demand hai labor force ke liye, building of new skills and innovative thinking not only for existing job but also jobs that are to be created in this sector. Objectives to create a workforce empowered with skills, knowledge and qualifications to help the youth gain access to decent employment opportunities, to ensure the country's competitiveness in a dynamic global market, like to make our youth competitive, they should compete with the world. So they should be that skilled to compete with the world. To increase the employability and productivity of the workforce in organized and unorganized sector. So both the like unorganized sector also and in organized sector also to provide the workforce. So that's why skill development is very important. In India, skills have been imparted through both formal and informal ways. The formal imparting of skills include technical and vocational education that is managed by various dedicated organizations, like higher technical education imparted through professional colleges, vocational education in schools at post-secondary stage, technical training in specialized institutions, and apprenticeship training informally. The training part of the program. Informally, skills are developed through family occupations and on-job training under master craftsman work system without any links to the formal education training and certification. Like suppose ek carpenter ka beta hai, to apne father se he learns carpentry. That is informal training. He is also getting trained, but informally, not any certification or education like that. And post-independence, India focused on establishing formal technical and vocational education and training TVET structures, mostly in manufacturing and engineering trades. Then Central Staff Training and Research Institute was established in 1968 by the government. This is the history, how it developed, by the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, DGENT, in collaboration with the government of the Federal Republic of Germany. So this was established in 1968, training department, employment and training department. In 1969, the first industrial training ITI institute was set up by the Ministry of Labor and Employment, Government of India. Jo diploma courses hote hain aapne suna hoga, jo
छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं लाइक रिपेयर, एसी रिपेयर, टीवी रिपेयर, ऐसे ऐसे वाले जो कोर्सेज होते हैं दैट इज डन थ्रू आईटीआई. In 1980, many developments took place to formalize and regulate technical and vocational education. In this regard, the AICT Act was enacted in 1987 to provide for establishment of All India Council for Technical Education. तो आपने सुना होगा engineering college and all जो भी technical colleges है ये इसको मान्यता मिलनी चाहिए AICTE की टू फंक्शन, तभी उसकी सर्टिफिकेट की भी वैल्यू होती है. विद अ व्यू टू अचीव कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, प्रमोशन ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ सच एजुकेशन इन रिलेशन टू प्लान्ड क्वांटिटेटिव ग्रोथ एंड रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स in the technical education system and in related matters, so that to form a policy rule whatever, this was the role of AICT. Owing to this act, the AICT become the regulator and fund provider for polytechnics and technical colleges in the country. So it provided fund also for polytechnic and technical colleges. उसके बाद आया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज NSDC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 एंड द फर्स्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009 विद द विजन फॉर द नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NQF एंड द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम. So all this came in 2008, the National Skill Development Corporation, and under which बहुत सारे program run होते थे, जैसे National Qualify Framework, एक qualification, ये इस चीज के लिए इतना qualification होना चाहिए, ये होना चाहिए, level होना चाहिए, PhD होना चाहिए, all this is done under National Qualification Framework. और एक unified like competition होगा all over India, तभी तो select होते हैं, so that ट्रेनिंग सिस्टम. नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSDA वॉज सेटअप इन 2013 टू अटैच द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड अलाइड क्वालिटी अश्योरेंस मेकेनिज्म फॉर सिनर्जाइजिंग स्किल इनिशिएटिव इन द कंट्री. सो इट इसका टास्क था टू सेटअप स्किल फ्रेमवर्क एंड अलग और भी जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है टू अश्योर दैट क्वालिटी मेंटेनेंस. The new Ministry for Skill Development and Entrepreneurship, MSDE, was created in 2014 to significantly scale up entrepreneurship development initiative across the country. In 2015, Skill India initiative was launched to train people in different skills by 2022. जब मोदी जी आने के बाद और ज्यादा लार्ज स्केल पे हुआ, so that till 2002 to train people in different skills. On 16 January 2016, the startup initiative was launched. आपने सुना होगा बीच में बहुत सारे लोग startup initiative अभी भी चल रहा है, like loan मिलता है, कोई अपना आप proposal देते हैं business का and you get the loan और उसके हिसाब से फिर काम होता है, आप अपना business करते हैं. So basically to entrepreneurs को promote करने के लिए. With several programs were rolled out with the objective of supporting entrepreneurs, building a robust startup ecosystem and transforming India into a country of job creator instead of job seeker. पहले क्या सब young job ढूंढ ही रहे हैं, now they create job, क्योंकि एक बंदा एक business start करता है तो 10 लोग को और employ करता है. These programs are managed by a dedicated Startup India team that reports to the Department for Industrial Policy and Promotion, DPIIT. In 2016, the Union Government also announced that students graduating from industrial training institutes, ITI in India, will be considered to be at par with students having passed class 12th. Like आपने सुना होगा जो ITI course करते हैं, वो after 10 करते हैं, diploma course होता है. So उसमें जो paper होते हैं कुछ कुछ, वो आप directly admission भी वो लोग ले लेते हैं. In like engineering का first year उनका skip हो जाता है, वो consider होता है equivalent to 12th, bringing a long pending equivalence in the formal and vocational streams of education in the country.
और लिस्ट ऑफ स्किल इंडिया के कोर्सेज किस किस डिपार्टमेंट में होते हैं, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसमें IIM बैंगलोर, बहुत सारे प्रोग्राम है जो स्वयं पोर्टल पे है, आप कभी चेक करना इफ यू गो ऑन स्वयं पोर्टल, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स है मैनेजमेंट वाले, सो यू जस्ट गो एंड चेक, तो वो है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है, हर डिपार्टमेंट में जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करने का। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हाउ टू मतलब कोई भी बिजनेस करना है तो फॉर दैट ऑल्सो देयर इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, बाकी जो अदर स्किल्स IT स्किल हो या अलग दूसरे स्किल्स हो, लाइक मैं जैसे काम करती हूँ तो वहाँ पे है कंप्यूटर, ये CCE है, या ये रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव स्किल्स, तो ये सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। एंड अदर स्ट्रैटेजीज फॉर MSMEs, प्रमोशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एटसेट्रा। और इसमें की बॉडीज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इसके की बॉडीज हैं। और जो एनेबल करते हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में वो है जो, ये तो की बॉडीज है जो उसको देख रेख, फंडिंग एंड ऑल होता है जहाँ से, एंड एनेबलर्स जो उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड SSCs, स्मॉल स्केल समथिंग लाइक जस्ट आई एम नॉट रिमेंबरिंग द फुल फॉर्म इसका, NCVT एंड SCVT, लेबर लॉज, मिनिमम वेज एक्ट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रेंटिस एक्ट। तो मैं ये सारे क्यों लिखे हैं लॉज, बिकॉज ये इन लोगों को इनके हक के लिए सपोर्ट करते हैं, इधर लेबर लॉज हो या मिनिमम वेज एक्ट हो या बाकी जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सपोर्ट कर रहे हैं वो, एंड अप्रेंटिसशिप एक्ट जिसमें उनको जो उनके लिए ट्रेनिंग एंड ऑल जो देना है इट इज मैंडेटरी टू गिव। तो हो गया, वापिस चलिए लगता है। ओके, सो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी हु इम्प्लीमेंट द ITI सेंटर, आपने सुना होगा ITI का सेंटर हर जगह रहता है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स दूसरे भी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, अंबर है और ऐसे और भी नाम है जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। कैप्टिव ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर्स, जो जिस जगह आप वर्क कर रहे हैं अदर डिफरेंट कंपनीज में, सो दे ऑन टू अपग्रेड योर स्किल ट्रेनिंग इज देयर स्कूल्स में, देन यूनिवर्सिटीज, देन असेसमेंट जो करते हैं वो वाले उसके टाइम एंड अगेन असेसमेंट होता है तो टू इम्प्रूव अपन, देन कंपनीज जो जो दूसरी कंपनीज हैं जो एब्जॉर्व करती हैं द स्किल्ड लेबर को। सो फर्स्ट is National Policy on Skill Development. Recognizing the need for skill development, National Skill Development Policy was formulated in 2009, given the entrepreneurship ecosystem in the country and the experience gained through the implementation of various skill development programs. The policy was revised and the second National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 was notified on July 15, 2015. In the primary objective of this policy is to meet the challenge of skilling at scale with speed, standard, quality and sustainability, so that it should increase with speed, ek quality standard hona chahiye and sustainability, that ye nahi ki aaj se ka kal bol ke waisa nahi uske wo long lasting hona chahiye. It aims to provide an umbrella framework for all skilling activities being carried out within the country to align them with common standards and link skilling with demand centers. The policy also seeks to coordinate and strengthen factors essential for the growth of entrepreneurship across the country. So it ek umbrella ki tarah iske andar different programs hai jo ek dusre ke sath unko coordinate karna aur
जो डिमांड है मार्केट में अकॉर्डिंगली लेबर का, उस हिसाब से ट्रेनिंग होना, वो सब कुछ को देखने के लिए इट इज लाइक अ अम्ब्रेला जिसके अंडर ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट करके और काम करता है. दूसरा है मिनिस्ट्री फॉर, जो मिनिस्ट्रीज काम करते हैं जो इसके डिपार्ट इसके वो आपको शुरू में करवाए लाइक इम्प्लीमेंट करने वाले, और जो मेन बॉडीज हैं इसके, मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. MSDE वाज फर्स्ट टाइम सेट अप एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री इन 2014 फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्रीज. कोऑर्डिनेट करना पूरे कंट्री में जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल मैन पावर, लाइक डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो टू रिड्यूस दैट गैप, टू बिल्ड दैट गैप. बिल्डिंग द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, क्या कैसे स्किल अपग्रेडेशन इन कंपनीज है, कहीं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हाउ टू अपग्रेड देयर स्किल्स, बिल्डिंग अप न्यू स्किल्स एंड इनोवेटिव थिंकिंग नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टिंग जॉब बट ऑल्सो जॉब दैट आर टू बी क्रिएटेड. तो इसमें MSDE इज वर्किंग, द मिनिस्ट्री एम्स टू स्किल ऑन अ लार्ज स्केल विद स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड टू रियलाइज इट्स विजन ऑफ स्किल इंडिया, स्किल्ड इंडिया. पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया. The ministry works with the help of its functional arms like Director General of Training DGT जो trainings conduct कराता है, National Skill Development Agency NSDA के बारे में भी हमने बात किया, जो अलग अलग training का quality training मिले उसके लिए काम करता है, National Council for Vocational Education and Training NCVT जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग अलग अलग कंडक्ट होती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का भी सिखाना दैट इज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग, या सिलाई बुनाई जो लड़कियों के लिए है, ऐसे बहुत सारे एक लिस्ट है कोर्सेज के, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ऑल दिस कम्स अंडर बीएड है, सो ऑल दिस कम्स अंडर दिस. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड NSDF जो फंड करता है, एंड 38 सेक्टर स्किल्स काउंसिल SSCs एंड 33 नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTIs एंड NSTIW एंड अबाउट 15,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs अंडर DGT दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, एंड 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स भी हैं, जैसे अंबर एंड ऑल जो मैंने बात किया, दे आर ट्रेनिंग पार्टनर्स रजिस्टर्ड विद NSDC. The ministry also intends to work with the existing network of skill development centers, universities and other alliances. Even schools may be abhi skill development centers hain in the field. Further collaboration with relevant central ministers, state governments, international organization, industry and NGO have been initiated for multi-level engagement and more impactful implementation of skill development effort. तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हर रूरल पीपल के लिए काम करता है. इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUJKI अनाउंस्ड ऑन 25 सितंबर 2014 इज अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ, लाइक स्किल डेवलपमेंट उसके कोर्स करेंगे एंड दे विल गेट प्लेसमेंट, उनको कहीं ना कहीं जॉब दिलवाना है. With the help of various stakeholder, like अलग अलग जगह, अगर किसी ने सपोज रिटेल सेल्स का किया है तो अलग अलग मॉल्स में उनको जॉब मिल सकता है कहीं दूसरी जगह, या गांव में कुछ और कोर्स किया है, कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, कुछ भी किया है, वहाँ कोई रिक्वायरमेंट है तो वह उस जगह उनको प्लेसमेंट भी देना. Is a part of National Rural Livelihood Mission, tasked with the dual objective of adding diversity to the incomes of rural poor families and cater to the career aspiration of rural youth. It uniquely focused on rural youth aged between 15 and 35 years from poor families. As a part of Skill India campaign, it plays an instrumental role in supporting the social and economic program of the government, like the Make in India. Make in India, आपने सुना था बीच में, और आज की डेट में the best part, पहले सिर्फ एक लियो टॉय हुआ करता था
एंड आज हमारे पास फ्लडेड है मार्केट विथ टॉयज बच्चों के, एंड दैट टू एट रीजनेबल प्राइस. पहले इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एक ही वही ब्रांड ज्यादा थालियों का, या बीच में चाइनीज आता था. अब इट इज पूरा मार्केट इंडिया का अपना है. जो बल्ब आते थे चाइनीज बल्ब है, पहले इंडिया पहले ही बनाता था, बट अब पूरे लार्ज स्केल पे इट इज मेक इन इंडिया. सो अब बहुत कुछ इंडिया में बन रहा है, छोटी छोटी डिवाइस, छोटी छोटी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है, चिप्स, ये वो, मोबाइल फोन. सो मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस किया गया, सो दैट जो डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्री है वो कम हो जाए. डिजिटल इंडिया, अब सब कुछ डिजिटलाइज है. आप यहाँ बैठे बैठे हम बात कर रहे हैं, या पैसे निकालना है तो अब पहले बैंक में जाओ, चेक जमा करो, या किसी को पैसे भेजना है तो ड्राफ्ट, पेमेंट करना है चेंज नहीं है तो मुश्किल है, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो. सो डिजिटल इंडिया फोकस किया गया. स्मार्ट सिटीज, लाइक सिटीज विद ऑल दी बेसिक अम्यूनिटीज, अच्छा स्मार्ट प्लान्ड सिटीज आर स्मार्ट सिटीज, जो अच्छे से प्लान्ड हो, जहाँ ड्रेनेज से लेके सब कुछ, ऑल फैसिलिटीज आर इन गुड कंडीशन, अच्छे से डेवलप हो. एंड स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स को वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सो दैट दे कम अप. आज बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया है, बहुत लोग सक्सेसफुल हैं, कुछ का नहीं भी हुआ लेकिन बहुत लोग सक्सेसफुल हैं. स्टैंड अप इंडिया कैंपेन्स, सो बहुत सारे कैंपेन्स हुए जहाँ पे इंडियंस आ गया है एंड अपनी अपने टैलेंट्स एंड ऑल उनको प्रूव किया. सो दैट इज स्टैंड अप इंडिया कैंपेन. DDU-GKY टेक्स प्राइड इन इट्स पार्टनर एंड देयर एबिलिटी टू एड वैल्यू. इट्स यूनिक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व पार्टनर्स कमिटेड टू चेंजिंग लाइव्स एंड हैविंग एक्सपर्टीज इन देयर एरिया. दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्किलिंग इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड बाई DDU-GKY. Partners are supported through investment, capacity building, strategy for retention, linkage to international placement, and technology support for training purposes. So these are the work of Ministry of Rural Development, then Ministry of Human Resource. ये जो चार चीजें हैं, इन प्रोग्राम्स को चलाती हैं चार मिनिस्ट्रीज, चार डिपार्टमेंट्स. द MHRD गवर्न्स द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिप्लोमा लेवल कोर्सेज अंडर वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट एंड होटल मैनेजमेंट. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का के अंडर आता है. MHRD इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. MHRD हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स एंड प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर एंगेजिंग विद इंडस्ट्री SSCs for assessment, certification and training. जहाँ भी ये जो skill development के courses होते हैं वहाँ assessment होता है बच्चों का, training complete होने पे then they get certificate and then they get placed. सब tie up किया रहता है and जहाँ जो भी partner है उनको show करना पड़ता है कि that person is employed for 4 months. तभी, क्योंकि पैसे आते हैं उनके पास फेज वाइज में, लाइक पहले एडमिशन कराया तो आते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो देन दे गेट असेसमेंट के बाद, एंड देन आफ्टर प्लेसमेंट दे गेट. तो दिस इज द होल सिस्टम. तो वो भी डरते हैं, दे हैव टू प्लेस. देन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, दे आर 21 मिनिस्ट्रीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ स्किल डेवलपमेंट. द मिनिस्ट्रीज हैव टू अप्रोचेस फॉर सेटिंग अप ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर देयर ओन स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक those adopted by the Ministry of Labour and Employment, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Family Welfare, etc. And second, in the form of public-private partnership as adopted by Ministry of Rural Development, Ministry of Women and Child Development, etc. So there are 21 ministries working for the purpose of skill development under central ministry. National Skill Development Corporation, it's a non-profit public limited company incorporated on 31st July 2008 under Section 25 of the Companies Act 1956, corresponding to the Section 8 of the Companies Act 2013. It was set up as a part of a National Skill Development Mission to fulfill the growing need in India for skilled manpower across, matlab sabka same hai, alag alag
अब वो कोई मिनिस्ट्री है, कोई का अलग रोल है, कोई गवर्निंग एजेंसी है, कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, कोई फंडिंग एजेंसी है, बट द होल पर्पस इज द सेम फॉर ऑल. It was set up by the Ministry of Finance as public-private partnership PPP model. The Government of India through the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSD holds 49% of the share capital of NSDC, while the private sector has a balance of 51% of the share capital. The NSDC aims to promote skill development by catalyzing the creation of large quality and for profit vocational institution. Further, it provides funding to build scalable and profitable vocational training initiatives. Its mandate is also to enable a support system that focuses on quality assurance information system and train the trainer academics either directly or through partnership. So either directly they are training or giving trainings and all, they are building financial funding, the building up of training centers and all, or in partnership also, in collaboration with different departments or different companies and all also. Like if they have a tie up with Tata, say ki aapko itne bacche lene hai, the train hai, so the, that collaboration is also there. इसके अंदर है, फर्स्ट इज आपका PMKVY, आपने सुना होगा बहुत बार, मैं बात करती हूँ. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च इन 3 phases. प्रधानमंत्री कौशल विकास was launched on 15 January 2021, which aims to encourage and promote skill development throughout the country to address industry needs, meet market demands, and impact skills in service and in new job roles. So, aap sabke objective dekhoge, जो भी प्रोग्राम है, पॉलिसी है, जो स्किल डेवलपमेंट का है, फर्स्ट इज तो है टू क्रिएट न्यू स्किल्स, then to upgrade skills, then to meet the market demands of labor market demand in as compared to like supply is less of skilled manpower, so to meet that demand and like that is industry need, which is the same, and creation of employment both rural and at urban level. So ye sara iska aap dekhoge, and to provide training and train the trainers, like those who are into training, so time and again they are also upgraded with the new skills so that they can pass it on to the students. So ye sare aap dekhoge common objective hai for all these programs, whether they run long term courses or they run short term courses. The objective of the skill certification scheme is to enable Indian youth to take up industry relevant skill training that will help them in securing a better life. And certification, training and certification, otherwise informal wala is there, yahan ghar pe training ho jati hai, and they are not certified. So all these are the main objective of this, or इससे डेवलपमेंट होगा, सो ओवरऑल डेवलपमेंट. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इसके अंडर आता है. एसटीटी कंपोनेंट इम्पार्टेड एट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन नेशनलिटीज हु आर ईदर स्कूल कॉलेज ड्रॉपआउट्स और अनएम्प्लॉयड. तो स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी मजबूरी बस फॉर देम. Apart from providing training according to the National Skills Qualification Framework, NSFQF, TC also imparts training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. Upon successful completion of assessment, candidates are provided placement assistance by training provider. Basically, इसमें 18 साल के बच्चों से 28 साल का होता है, एंड इसमें 12th तक पास बच्चे होते हैं स्पेशली जो होते हैं. रिकॉग्निशन ऑफ पुअर लर्निंग इंडिविजुअल विद
prior learning experience or skills are assessed and certified under the RPL component of the scheme. Project implementing agencies, PIAs, such as Sector Skills Council, SSCs, or any other agencies designated by MSD and NSDC are being incentivized to implement RPL projects in any of the three models, RPL camps, RPL at employer's premise, and RPL centers. To address knowledge gap, PIAs offer bridge course to RPL candidates along with training on soft skills, job role related safety and hygiene practice. Bridge course आपने सुना होगा, जो कोई गैप आ जाता है किसी के पढ़ाई में, थोड़े उसकी जैसे कुछ पढ़ के किसी ने छोड़ दिया है, काफी टाइम हो गया है, उन लोगों के लिए उस गैप को ब्रिज करने के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वीकेंड पे हो रहा है ऐसा, जिससे वो वापस उनका नॉलेज रिवाइव हो जाए, उस चीज को वापस गेन कर सके. Then special projects component of PMKVY envisages creation of a platform that will facilitate trainings in special areas and or premises of government bodies, corporate or industries bodies, and training in special job roles not defined under the available qualification packs, QPs, National Occupational Standards, NOs, as special projects require some deviation from the short-term training guidelines and under PMKVY, like there are special projects which is not which whose qualification is not defined ki yahi hai. So there are many projects hai, those which are special, jaise gardening hai uska training ho raha hai, ya fruit kaise acha karte uska training ho raha hai, organic farming kaise karte hain acche se uska training hai. So they are special projects which doesn't require any special qualification for that. Uske koi bhi kar sakta hai usko. Proposing stakeholder can be institution of central or state government, autonomous body, statutory body, or any other equivalent body or corporate who desires to provide training to candidates. और पहले एनरोल्ड बच्चे जो थे इतने हैं आज की डेट में, और ट्रेंड है इतने सारे बच्चे, करोड़ में ट्रेनिंग हुई है और एनरोलमेंट हुआ है, दोनों डेटा लिखा हुआ है. Eligibility for short-term training, STT, any unemployed youth age between 15 to 45 years. For recognition of prior learning, RPL, any candidate of Indian nationality aged between 18 to 45 years has prior experience in the job role for which they want RPL certification and process. So, revision keh sakte hain aap isko. And funding support, NSDC will provide a concessional secured loan funding per center up to 75% of the project investment to cover expenditure only related to training infrastructure, including purchase of plant, machinery and equipment, training aid and other associated items, civil work, including setting up prefabricated structures and retrofit existing structures. So, जो फंडिंग है दैट हैज 75% बाय एनएसडीसी. ऑपरेशनल सपोर्ट, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेंटर्स विल बी अश्योर्ड अगेंस्ट डेडिकेटेड ट्रेनिंग नंबर्स अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और इट्स सक्सेसर स्कीम, एनी अदर स्कीम अंडर एमएसडी और एनएसडीसी. जो लोग इसको ऑपरेशन में लाएंगे, इधर पीकेएमवीवाई और एनी अदर स्कीम which comes under MSDE or NSDC. So benefit of this scheme is the scheme aimed to benefit over 8 lakh candidates in 2021 with a budget of 948 crore, while targeting the youth under the age group of 15 to 45 years. Introduction of counseling through online information, counseling platform through counseling helpline or through district level Skill Information Center is envisaged for information asymmetry and unbiased counseling, so that needy and motivated youth is encouraged to join the skilling movement. So, iska counseling online bhi hota hai and logo ko batate bhi hai ki what this course is all about,
व्हाट टू डू, लोग गांव गांव जाके बच्चों का एडमिशन भी होता करते हैं जाके उनको आइडेंटिफाई करके बच्चों को. एवरी सर्टिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विथ 3 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कौशल बीमा ऑफ ₹2 lakh. This will help to increase aspiration among youth, indemnify the candidates and reduce on the job risk. So they'll have a reduced job. कुछ अगर घटना घट गई, suppose किसी को building का काम सीखा और job में गया, उसके हाथी में कुछ हो गया, कुछ damage ही हो गया, so that will help. The scheme will be more inclusive by ensuring higher participation rate from the deprived groups, women, transgender and persons with disabilities, with enhanced support and additional benefits under PMKVY 3.0. Greater cross utilization, optimal utilization of training capacities will be made through integration of available infrastructure with universities, colleges, ITIs, polytechnic schools. Initiate the creation of nodal skill information and service center at the district level for popularization of skill development scheme programs at village level. So this way aware to make people more and aware and integrating the infrastructure jahan pe SAT courses conduct ho sakte hain, identifying there and the courses are conducted at those places. So integrating all the resources. So it is very good. फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ये पहला आता है. फिर आता है आपका कौशल केंद्र है जहां पे ये ट्रेनिंग सेंटर जो कहते हैं पूरे देश में एस्टैब्लिश हुआ है, अलग अलग जगहों पे है जहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. और आपका है इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर एंड टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये अभी हम आगे करेंगे. पहला है इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP. TIPTP commenced in 1993 in Japan. The program aims to contribute to developing countries by accepting its people and transferring skills through on-the-job training, OJT in Japan. It promotes international cooperation through transfer of skills, techniques, and knowledge gained by technical interns to the developing nations. This will not only contribute to the human resource development, but will drive इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सेड रीजंस. सो इसमें क्या हुआ, इसके अंडर जो ट्रेन है यूथ है उनको ट्रेनिंग के लिए जापान में जाके एंड दे डू द ट्रेनिंग पार्ट. एंड वहां पे जापान को भी फायदा है बिकॉज दे फॉलोड पॉलिसी बच्चा नहीं होने का एंड वहां पे यूथ कम हो गए हैं. नाउ दे वॉन्ट यंग ब्लड टू वर्क, सो दैट इज लेस, तो उनको भी फायदा है. और जो बच्चे यहाँ से जाते हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, इवन दे आर ट्रेन, तो उनके लिए भी फायदा है. उसके लिए MOU was signed between them and India. Okay. Or the period of training, trained individuals are sent to Japan for internship for 3 to 5 years under different job categories. As of March 2021, 84 job categories and 156 operations provided under TITP, through which a candidate can participate and training in India. Candidates are required to be trained by the sending organization in the Japanese language. So, ek criteria hai, they should know Japanese language, Japanese lifestyle orientation and business etiquettes, and relevant domain training. Jo bhi domain mein wo ja rahe hai, so that training and साथ में they should know Japanese language. Then after completion of the program, the trainees are expected to return to India and utilize the acquired skills in Japan. जो भी उन्होंने वहाँ पे सीखा, जो भी skill वहाँ पे उन्होंने सीखा, तो apply here.
Then India International Skill Center is developed, IISC network. IISC network is the nodal platform to facilitate international workforce mobility opportunities for Indians. This network will be central to the GIS plan to make India the skill capital of the world. It will be a fee-based, market-driven model determined by global workforce supply and demand dynamics. So, international skill center, jahan pe international firstly international workforce where they are trained at a international level. What is the requirement at international level? They are trained according to that market, and they are given a platform worldwide where they can get a job. Then technical intern training program with TITIP, that is we talked about Japan mein. Then Seekho aur Kamao Learn and Earn is a scheme implemented by the Ministry of Minority Affairs and for JNK and Ladakh, and is aimed at the skill development of minorities. The scheme entails upgrading the skills of minority youth in various modern traditional skills, depending upon their qualification, present economic trends, and market potential, which can earn them suitable employment or equip them with skills to opt for self-employment. Any minority youth can apply for this Seekho and or Kamao. Jo log Muslim hai, Christians hai, Buddhist hai, jo minority mein hai. Then skilled workers arrival database for employment support, Swadesh. It aims to create a database of qualified citizens based on their skill set and experience to tap into and fulfill demand of Indian and foreign companies. The collected information will be shared with the companies for suitable placement opportunities. Into ek Swadesh data bana ke jo center jahan pe unka data bane jitne bhi youth ट्रेंड हुए हैं उन सब का डेटा की जो इंडियन एंड इंटरनेशनल कंपनीज को शेयर किया जाएगा अकॉर्डिंगली जो जिस लेवल का ट्रेनिंग है जैसे कंपनीज है उस हिसाब से सो दैट दे गेट प्लेसमेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरसीज आल्सो ऑल ओवरसीज सिटीजन्स हु रिटर्न थ्रू वंदे भारत मिशन ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक एंड इट इज स्पेशली फॉर दोज हु रिटर्न from through Vande Bharat mission during COVID pandemic. Then Swayam aapko pata hai, it is a platform where you can digital sab kuch hai, courses are there. Only thing you do online courses in different branches, not only till school education is also till 12th or so there are classes. But it is recorded sessions, and then only you have to go and give exam at the center, or वहाँ पे you get certification. If you don't give, that is also fine. सिर्फ knowledge के लिए बहुत लोग करते हैं, but it is basically for those who want certification. दूर दूर रह के नहीं पढ़ पाते हैं, like IIM courses कराता है, IIT courses कराता है, different branches में. तो there are different courses available on Swayam platform. And the eligibility is different based on what course you are applying for, क्योंकि ये अच्छे course हैं, good courses ज़्यादा हैं. Then Swayam Prabha is a group of 22 DTH channels devoted to telecasting high quality educational programs on a 24/7 basis using the GSAT 15 satellite. So and the contents are provided by NPTEL, IITs, UGC, CEC and IGNO. जो स्वयं पे भी आपने देखा होगा अलग अलग NPTEL पे नेशनल टीचर्स वो है IITs है UGC है यूनिवर्सिटी या IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो ये लोग कई क्लासेस होते हैं जो बच्चे गांव-गांव के हैं और जो नहीं क्लासेस कर पाते हैं नहीं उतने उनके पास इतने सक्षम नहीं है फॉर देम इट इज
free of cost, and which is these programs are available 24/7. And the consortium of for educational communication, CEC, is one of the inter-university centers set up by the University Grant Commission of India. It has been established with the goal of addressing the needs of higher education through the powerful medium of television, along with appropriate use of emerging information communication technology, ICT. Realizing the potential and power of television to act as a mean of educational knowledge dissemination, UGC started the countrywide classroom programs in the year 1984. And for production of such programs, media centers were set up at 6 universities. Subsequently, CEC emerged in 1993 as a nodal agency to coordinate, guide, and facilitate such educational production at the national level. Today, 21 media centers work towards achieving this goal under the umbrella of CEC. So, television pe bhi telecast hota hai. Gyan Darshan aur kya channels hain, us pe aap dekhenge. To wahan pe bhi, taki gaon gaon tak पहुंच सके, बच्चों को एजुकेशन मिल सके, उनको ट्रेनिंग हो सके, वो जिस ट्रेनिंग को समझ सके, जो कोर्सेज कर रहे हैं उसके बारे में भी क्लासेस होते हैं, तो और बेटर वे में उनके लिए क्लासेस होते हैं जो अच्छे से उनको समझ सके, या जो बच्चे बहुत ट्यूशन और ये नहीं लगा पाते हैं, बस बड़ी बड़ी जिनके पास पैसे हैं, दे स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज एंड ट्यूशन, और वो उनके लिए ये मीडिया के थ्रू उन तक पहुँचता है. Organization is ka hai, each organization has its own nature and unique function to achieve the objective. The essential part of each organization is the organizational structure and its human resource. CEC, with its objective to coordinate, facilitate, and provide overall guidance and direction to the media centers set up by the UGC in various universities, has adequate and efficient manpower, the detail of which can be viewed under the organization chart and human resource chart. So, इस तरह से यूजीसी के सेंटर सेटअप है अंडर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. फिर है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस एनपीटीएल, जो आपने देखा था. द मेन गोल वाज टू क्रिएट वेब एंड वीडियो कोर्सेस, जो पहले हमने किया है, लाइक स्वयं इट इज द सेम. और स्वयं पे भी आप देखोगे कि कोर्सेज लिखा है बाय एनपीटीएल, कुछ कोर्सेज लिखा है आप देखोगे यूजीसी का है, कुछ ऐसे अलग अलग दिया रहता है उसपे. सो द मेन गोल इज टू प्रोवाइड वेब कोर्सेज वीडियो के माध्यम से इन ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैनेजमेंट कोर्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जो IIMs कराते हैं. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने कहा हमने पहले ही बात कर लिया है, दे रन 20 कोर्सेज ऑन स्वयं. IIMB रिसीव्स एंड इवेल्युएट्स MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रपोजल इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विलिंग टू ऑफर देयर कोर्स ऑन स्वयं. सो दे आर ऑफरिंग दिस कोर्सेज ऑन स्वयं, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन डू एंड दे कैन गेट सर्टिफाइड ऑल्सो. I think we have done this National Skill Development Agency. National Skill Development Agency, NSDA, is an autonomous body under the Ministry of Skill Development and Enterprise. Abhi tak aapko koi sawal? Any question? Any question from your side, or you want to add anything? Because it is very big chapter, I don't think we'll be able to cover the next topic, and I request you all to read that. Shyama Prasad Mukherjee that policy, and one more is there, so you'll have to read it at home. Any question from your side?
नो मैम, अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट. So National Skill Development Agency (NSDA) is an autonomous body under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship that anchors the National Skill Qualification Framework and Allied Quality Assurance. तो पहले हमने किसका बात किया? NSDC, जो courses conduct कराते हैं and all. अब we are talking about which agency? NSDA, which is an autonomous body and that is also an autonomous body, but for the purpose of this is what? The purpose of this is lay down certain criteria कि अच्छा कोई PhD करना चाहता है तो कैसे करेगा, उसके पास MPhil होना चाहिए, post graduation होना चाहिए, या कोई engineer है तो उसको क्या है इस branch में, कोई एक subject में उसको ये pass होना चाहिए. So जो भी criteria होता है educational qualification का या और अलग technical जो भी qualification है, उसका फ्रेमवर्क सारा किसके अंडर में आता है? दैट इज NSDA, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड अलाइड क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर सिनर्जाइजिंग स्किल इनिशिएटिव्स इन द कंट्री. NSDA assessed on 2012-2020. It discharges the following function, takes all possible steps to meet skilling targets as envisaged in the 12th five-year plan and where jo bhi wo kar sakta hai, it does to fulfill the target, coordinates and harmonizes the approach to skill development among various central ministries, departments, state government, NSDC and private sector. So it acts as a coordinator also, in logo ke beech mein coordination banata hai. Anchors and operationalizes NSQF to ensure the quality and standards meet sector specific requirement. So quality होगा, जब तक एक standard set नहीं होगा तब तक quality नहीं, किसी भी training program में, किसी भी educational program में there'll be no क्वालिटी, राइट? कुछ भी कोई करा देगा, आप किसी ट्रेनिंग में एक इंस्टीट्यूट कहीं कुछ करा देगा, एक इंस्टीट्यूट कहीं कुछ करा देगा, तो देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया फॉर दैट एंड दैट इज लेड डाउन बाय मेन पर्पस इसका यही है, बाकी कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑल भी है बट दैट इज द मेन पर्पस. Become the nodal agency for state skill development mission, raises extra budgetary resources for skill development from various sources such as international agencies including multilateral agencies and private sectors. So extra jo bhi paise hain from international agencies and multilateral agencies and private sectors se bhi raise जो भी उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है. अब तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां एक पार्ट देते हैं अपने सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें भी ये सारे आते हैं प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें कंडक्ट होती हैं. इवैल्यूएट्स एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम विद अ व्यू टू असेसिंग देयर एफिकेसी एंड सजेस्ट करेक्टिव एक्शन टू मेक देम मोर इफेक्टिव. तो जो भी चल रहा है प्रोग्राम, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन दैट, कुछ प्रॉब्लम है, ये और होना चाहिए, सो एड ऑन दैट, उसको क्वालिटी उसका और बढ़ाने के लिए. सो नॉट ओनली उसके लिए क्राइटेरिया इज लेड डाउन बट टाइम एंड अगेन उसको एसेस भी करना है कि वेदर ठीक है कि नहीं, सब इसका ठीक है कि नहीं, दिस इज मिसिंग, कि कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो उसको कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करें. एंड क्रिएट्स एंड मेंटेन्स अ नेशनल डेटा बेस रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ अ डायनामिक लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम LIMIS. नेशनल डेटाबेस बनाना, जो लेबर मार्केट का हमने पहले किया था, दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, ताकि जो भी कंपनीज के साथ टाई अप होता है तो दे सेंड दीज डेटाबेस टू दोज कंपनीज, उनके हिसाब से जो उनके फिट होते हैं एंड दे अपॉइंट देम. टेक्स अफर्मेटिव एक्शन फॉर एडवोकेसी किसी के राइट कुछ के लिए, एंड देन ensure that the skilling needs of the disadvantaged and marginalized groups like SCs, STs, OBC, minorities, women and differently abled persons are taken care of. Discharges any other function as may be assigned to it by the government of India. फिर और भी जो भी है minorities और women के rights के लिए उनका जो भी needs है वो fulfill हो, ये सारा कुछ is taken care of by NSDA.
इसके अंदर NSAQF इज अ क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क. इट इज देयरफॉर अ नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल फ्रेमवर्क दैट विल प्रोवाइड अ मल्टीपल फॉर मल्टीपल पाथवेज हॉरिजॉन्टल एज वेल वर्टिकल बोथ विद इन वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अमंग वोकेशनल एजुकेशन जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन दस लिंकिंग वन लेवल ऑफ लर्निंग टू अनदर. जब तक एक मापदंड सेट नहीं होगा कि हाँ ये ग्रेजुएट होगा तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, इस सब्जेक्ट में होगा तो ही इस सब्जेक्ट में कर सकता है. आप लोग सब PGD ये MRD कोर्स में आए हैं तो देर मस्ट बी अ क्राइटेरिया सेट फॉर यू कि इस ये होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, देन यू कैन मूव ऑन. तो एक लेवल से दूसरे लेवल को कनेक्ट करना और एक उसका उस लेवल में भी वॉट एवर रिक्वायर्ड जो चीज होनी चाहिए वो सारी लेट डाउन है. दैट इज द टास्क ऑफ NSQF अंडर NSDC. दिस एनेबल्स अ पर्सन टू एक्वायर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल ट्रांसलेट टू द जॉब मार्केट एंड एट एन ऑपॉर्चून टाइम रिटर्न फॉर एक्वायरिंग एडिशनल स्किल टू फर्दर अपग्रेड देयर कॉम्पिटेंसी इफ रिक्वायर्ड. जब असेसमेंट होता है कि अच्छा ये कमी है देन अपग्रेडेशन इज ऑल्सो डन. नई चीजें आती हैं इवन जैसे IT मार्केट है, इंडस्ट्री है, इसमें एवरी डे समथिंग न्यू कम्स अप. सो जो दोज़ हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री दे हैव टू गेट ट्रेन टाइम एंड अगेन. तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ NSDC की असेस करना कि हाँ अब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लैक हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग इज डन. The Labour Market Information System, LMIS, is an integrated set of institutional arrangements, procedure, mechanism and data system designed to produce labour market information. जो हमने पहले किया है सारे points को किया है, ये नाम है आप देख लीजिए. Labour का एक data बनाना so that वो companies के साथ share किए जा सके labour market जिस company को जैसी requirement है. Then National Quality Assurance Framework, NQAF, National Quality Assurance Framework aims to improve the quality of all education by training the trainer course. आपने बहुत जगह सुना होगा. All this comes under NQAF to improve the training skills program in India. NQAF provides the benchmark or quality criteria which are different with the different organization involved in education and training must meet in order to accredited to provide education and training. तो ये जब तक उस क्राइटेरिया को ये कौन से क्राइटेरिया लेट करता है जो क्वालिटी है. ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली होगी, बहुत सारे इग्नू का नाम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी से सब नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज इसका जो क्राइटेरिया है वो अच्छे से लाइक वो हाई है उसका स्टैंडर्ड, तो उस हिसाब से. एंड बहुत सारे प्राइवेट हैं इंस्टीट्यूशन जो डिस्टेंट लर्निंग है उनको नहीं मिला है जो सर्टिफिकेशन के लिए, फिर भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, बट उनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है जो उनको रिक्वायर्ड है. वाई? बिकॉज दे लैक क्वालिटी. सो ये काम किसका है? NQAF का. National Skill Research Division, NSRD, National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 announced the establishment of a National Skill Research Division, NSRD. The division has been set up within NSDA at the national level to serve as a think tank for inputs on research. It is basically for research purpose. Every time new research is being done, रिसर्च होता है तभी नया ऐड होता है, नई चीजें होती हैं. सो दिस डिपार्टमेंट डील्स विद नेशनल रिसर्च. देन सेक्टर स्किल काउंसिल, SSC. सेक्टर स्किल काउंसिल्स आर सेट अप एज ऑटोनोमस इंडस्ट्री लेड बॉडीज बाय NSDC. दे क्रिएट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन बॉडीज, डेवलप कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, कंडक्ट ट्रेन एंड द ट्रेनर प्रोग्राम, कंडक्ट स्किल गैप स्टडीज एंड एसेस एंड सर्टिफाइड ट्रेनीज ऑन द करिकुलम अलाइन्ड टू नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय देम, NCVET, NCVT, SCVT एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. सो इट इज बेसिकली स्टैंडर्ड सेट फॉर ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग ओनली. सो वॉट एवर ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग इज गिवन उसका दिस स्टैंडर्ड होना चाहिए. उसमें ट्रेनर इसमें भी है लाइक जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो ट्रेनिंग देते हैं या नए लेवल से ट्रेन होता है, फिर वो बाकियों को ट्रेनिंग करते हैं, कुछ नया ऐड होता है. सो ऑल दिस इज डन बाई देम एंड कंडक्ट द गैप
मान लो किसी का पढ़ाई छूट गया है, एक कोर्स किया और 4 साल बाद वो जॉब करना है, तो वो गैप ट्रेनिंग इज देयर. सो ऑल दिस इज डन अंडर सेक्टर स्किल काउंसिल SSCs. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एनविसेजिंग द क्रिएशन ऑफ एन ओवरआर्चिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द स्किल स्पेस. नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET. This is proposed to be established through a government resolution by merging the existing National Council for Vocational Training (NCVT) and the National Skill Development Agency (NSDA). The proposed NCVT will regulate the functioning of entities engaged in vocational education and training. So, NCVT is National Council for Vocational Education. जो भी होते हैं, उसके लिए it is responsible for that. And last two is Apprenticeship Act. Apprenticeship programs in India are governed by the Apprenticeship Act of 1961 and the Apprenticeship Rules of 1992. The apprentice training scheme is implemented by the Ministries of Labor and Employment and Human Resource Development. Ministry of Human Resource Development oversees graduate technician and technicians vocational apprentice through our 4 boards located in different cities. The Act regulates program of training of apprentice and make it obligatory for employers in both public and private sector establishment to have training infrastructure as per the Act. So, especially it is for training of the human resource, like people, like training of the labor, training of labor in the sense both skill labor. So it continuous training also, and for like when someone does course, so for the internship, and also that training is mandatory, and that act is been passed. सो दैट एवरी लाइक कंपनीज, आप एक इंटरशाला साइट है आपने देखा होगा, उस पर बहुत सारे सिर्फ ट्रेनिंग के ही इंटर्नशिप एंड ऑल प्रोग्राम्स का दिया रहता है. और पहले जब भी किसी भी कंपनी में दे वर्क, तो उस कंपनी में क्या रोल है, क्या जॉब रोल है, अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग इज मस्ट. To primarily to ensure trainees their optimum access to a real work environment and on-job training. So they get aware of like ek naya bachcha padh ke aata hai kaise deal karna hai, kya karna hai. That's why training is very important. Kahin bhi, anywhere. Aapne dekha internships har jagah suna hoga. That is so that they get a idea. कि कैसा काम क्या है, एंड उसमें सो दैट दे कैन गिव देयर 100% एंड देयर फुल पोटेंशियल कम्स आउट इज बीइंग यूज्ड. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रेंटिसशिप वाज आल्सो टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयर्स गेट अ स्किल्ड वर्कफोर्स हैविंग एडिक्युएट एक्सपोजर टू द रियल वर्क एनवायरमेंट. द अप्रेंटिसशिप एक्ट of 1961 was amended in December 2014 to make it more responsive to industry and youth. The Apprentice Protsahan Yojana APY was also launched to support MSMEs in the manufacturing sector in engaging apprentices. So this was changed as Apprentice Protsahan Yojana in December 2014. Industrial Training Institute (ITIs), Industrial Training Institute set up under the Directorate General of Training (DGT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Government of India, offers a range of vocational skill training courses covering a large number of economic sector with the objective of providing a skilled workforce to the industry as well as self-employment of youth. They provide post-school technical as well as vocational training. So vocational mein bahut sare aa jate hain, jaise TV maintenance, AC maintenance, ye sare hain, plus aapke diploma courses in IT
इसमें अलग अलग ब्रांचेस में भी होते हैं आईआईटी कोर्स, लाइक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मतलब इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, दे गेट अ डिप्लोमा इन दैट एंड बाद में दे कैन टेक एडमिशन इन कॉलेज इन डायरेक्टली इन सेकेंड ईयर. एंड पॉलिटेक्निक्स आर, इट इज अनदर ग्रुप of institution that aims to create a pool of skilled manpower to support shop floor and field operation as a middle level link between technicians and engineers. The passouts of diploma level institution in engineering and technology play an important role in managing shop floor operations. So to bridge that gap, it is polytechnics are there jahan pe technical courses are there also hota hai, and that too they get diploma in that, they don't get degree in that. Then Jan Shikshan Sansthan, JSS, Jan Shikshan Sansthan aims to provide vocational training to non-literates, neo-literates as well as school dropouts in rural regions by identifying skills that have a relevant market in that region. JSS are unique in the sense that they do not provide just skill development but link literacy with vocational skills and provide large doses of life enrichment education LEE to the people. So ye kya hai, jo log non literates hain, jo thode more padhe hain, new naye naye padhe likhe log jo thode more padhe hain aur school ke drop out jo bacche log padhna chhod dete hain, so identify them and train them in skill jo us एरिया का रिक्वायरमेंट है. सपोज टी गार्डन जहाँ पे बहुत है, तो टी का जो भी होता होगा वहाँ पे प्रोसेसिंग है या उसको कैसे कुछ भी करते हैं वहाँ पे, जो भी सिस्टम होगा अकॉर्डिंगली दे विल ट्रेन. सो दैट दिस इज जन शिक्षण संस्थान. ओके, so this is all for skill development part. Any question from your side? No ma'am, class bahut acha tha, skill development ko kafi acha notes bana hua. Thank you. Aur kisi ko, anyone else? Break to hum le nahi sakte hain aaj, so it is 30:25, right? 8:25. Anyone else? Any question? Kuch bhi? Are you all there? आज टोटल स्ट्रेंथ कितना था अजय? 14 कि 15? दो तीन लोग अभी मिस जाने के बाद भी. बारह और चौदह, दो लोग लिव किए. ओके, 14 है सपोज ना. ओके, ऑल आर देयर? आई थिंक सब टायर्ड हो गए होंगे इतना सुनते सुनते. विल टेक 1 मिनट ब्रेक और हम एक पार्ट करेंगे थोड़ा सा. हाँ बोलिए अजय. सही है, क्लास अच्छा चला. तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, विल कम बैक. एक छोटा सा टॉपिक का थोड़ा पोर्शन करेंगे, फिर आप सारा, बहुत सारा है उसमें, आप घर जाके पढ़िएगा. एंड एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रोग्राम है, वो भी घर जाके, आप घर जा घर पे ही है, सॉरी क्लास में बोलने की आदत है, तो आप उसको पढ़िएगा आफ्टर क्लास, तो आपका क्लियर हो जाएगा. सिंपल है दोनों, बट थोड़ा सा आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट. 1 मिनट का विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल जॉइन. ओके ओके, आप पानी वानी पी लीजिए.
Okay, you all are there? We start? Yes, ma'am. So next is Sansad Adarsh Gram Yojana and Shyama Prasad Mukherjee Rurban Yojana. Rurban Yojana. So we'll talk about Sansad Adarsh Gram Yojana. Is a rural development program broadly focusing upon the development in the village, which includes social development, cultural development, and spread motivation among the people on social mobilization of the village community. The program was launched by the Prime Minister of India, Narendra Modi, on the birth anniversary of Jay Prakash Narayan on 11th October 2014. So basic इस योजना का जो भी है इस डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, लोगों को सोशली मोबिलाइज करके इकट्ठे करके उनके साथ कुछ काम करना, उन वो उनके लिए था. और मोटिवेशन मतलब कल्चरल डेवलपमेंट, जो हमारा कल्चर है जो लुप्त हो जा रहा है, जैसे बनारस का जो बनारसी वो हैंडलूम इंडस्ट्री है, या जम्मू एंड कश्मीर में कारपेट का है, तो वो सब जो कल्चर भी, जो हमारे कल्चरल हम भूलते जा रहे हैं, अपने जो हमारे प्रथाएं, हमारे ट्रेडिशंस, जो उन चीजों को भी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट. देन स्प्रेड मोटिवेशन अमंग द पीपल ऑन, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता के लिए मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ विलेज कम्युनिटी, तो एक दूसरे के साथ वो आए साथ में मिलके और अपने अपने लिए काम करें, अपने विलेज के लिए काम करें. जैसे स्वच्छ मिशन भारत अभियान चल रहा है, तो हर पूरी सोसाइटी मोबिलाइज हो, सब कर रहे हैं, तभी तो वो प्रोग्राम चल रहा है. अदरवाइज तो इट विल नॉट वर्क. अगर सिर्फ बोलने से तो, या ट्री प्लांटेशन का है, कुछ भी जो गांव में पेड़ लगाओ, इधर पेड़ लगाओ, जो हमने पढ़ा था वाटरशेड मैनेजमेंट, इट वोंट वर्क अंटिल अनलेस सोशली पीपल इकट्ठे आए और काम करें. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी जो गांव के लिए स्पेसिफिक है, कैसे करेंगे, अंटिल अनलेस दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. सो द मेन पर्पस ऑफ दिस वॉर दिस, जो मेन पर्पस है संसद आदर्श ग्राम योजना, एक आदर्श ग्राम. इसका गोल है, द गोल ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना इज टू ट्रांसलेट दिस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनिक विजन ऑफ महात्मा गांधी इनटू रियलिटी, कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SAGY आर टू ट्रिगर प्रोसेसेस विच लीड टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत. होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, हर तरह से, इकोनॉमिकली भी डेवलप हो, एजुकेशन वाइज भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका डेवलप हो, सब कुछ डेवलप हो, तो उसके लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट. टू सब्सटैंशियली इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू इम्प्रूव बेसिक एमिनिटीज. गाँव गाँव में टॉयलेट और ये स्वच्छता मिशन और ये सब काम कर रहा है, घर, जल, गैस, तो बेसिक एमिनिटी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारा एवरीडे रिक्वायरमेंट है. तो उसके थ्रू एनहांस ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन जो हम मानव का विकास जो करना हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से है, एजुकेट करो, संस्कार सीखे, बहुत सारी चीज़ें से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, उन्हें काम करने को मिले अलग अलग तरीके से, जो अपने दिनचर्या वो अपना पालन पोषण कर सके, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. सिर्फ साथ मिलना भी एक नहीं है, उसके बाद वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है. रिड्यूस डिस्पैरिटी टू गांव में लोगों के बीच एकता, तो वो डिस्पैरिटी नहीं. एक्सेस टू राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, की हमारा क्या राइट है, सो दे आर मेड अवेयर ऑफ दैट. तो इसके लिए बहुत सारे, एक मतलब एक आदर्श ग्राम जहाँ पे हर तरह की सुख सुविधा, लोग अच्छे खुशहाल, एंड उनको अपने राइट्स और अपने जो भी चीज़ों के बारे, अपने एंटाइटलमेंट जिस चीज़ के लिए उनको
मिलता है, जैसे कल हमने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी जो बूढ़े पेंशन है या जो लेडीज प्रेग्नेंट वुमेन है उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं, व्हाट दे आर एंटाइटल्ड फॉर, या राशन कितने किलो मिलेगा. तो दे शुड नो कि व्हाट फैसिलिटीज वी आर गिवन बाय द गवर्नमेंट और उसको यूटिलाइज कर सके. वाइडर सोशल मोबिलाइजेशन, ज्यादा लार्ज एज ग्रुप स्केल पे लोग इकट्ठे हों और काम करें, अपने अपने ग्राम को आदर्श ग्राम बनाए. टू नर्चर द आइडेंटिफाइड आदर्श ग्राम एट स्कूल्स ऑफ लोकल डेवलपमेंट टू ट्रेन अदर ग्राम पंचायत फार बियॉन्ड मियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इट एम्स एज इंस्टिलिंग सर्टेन वैल्यूज इन द विलेज, जो हमने बात किया वैल्यूज इन द विलेज एंड देयर इनहैबिटेंट, सो दैट दे गेट ट्रांसफॉर्म इन टू मॉडल्स फॉर अदर्स. दीज वैल्यूज इंक्लूड, मतलब वो गांव, उस गांव में ऐसा एक गांव आपने सुना होगा जहां चोरी ही नहीं होती, वहां डोरी नहीं है, सनी सिग्नापुर के पास है, तो एक आदर्श ग्राम है, उसका नाम है कि वहां चोरी नहीं होती. तो उसमें एक वैल्यू है लोगों में कि दे डोंट स्टील. Adopting people's participation as an end in itself, ensuring the involvement of all section of society in all aspects related to the life of village, especially in decision making related to governance. So, सब लोगों का मिलजुल के उस गांव का कैसे विकास होगा, क्या करेंगे, तो सबका participation is important. कैसे चलेगा, कैसे क्या करेंगे, और तब काम हो. फिर adhering to अंत्योदय, enabling the poorest and the weakest person, जो लोग बहुत poor and weak हैं गांव में, उन लोगों को उभारना सबका मिलके responsibility है. In the village to achieve well-being, affirming gender equality and ensuring respect for women, औरतों का equal right, उनका respect, guaranteeing social justice मिलना चाहिए लोगों को, सामाजिक न्याय जो भी है, जो पहले कुछ भी चलता था, किसी को कुछ सजा दे दिया पंचायत ने उठ के और बस इसको आउटकास्ट करते हैं, ये बाहर रहेगा, हम इसको खाना नहीं देंगे, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो प्रॉपर जस्टिस इज रिक्वायर्ड. इंस्टिलिंग डिग्निटी ऑफ लेबर एंड स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड वॉलंटियरिज्म. तो कम्युनिटी सर्विस, जो स्वच्छ भारत मिशन और ये सब है, ये सारे प्लांट करना, तो एक मिशन है जिससे सबकी खुशहाली आएगी. और डिग्निटी ऑफ लेबर की, हाँ, एक मतलब काम जो कर रहे हैं उससे हमारे अंदर वो आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए. प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ क्लेनलीनेस, लिविंग इन कॉन्सोनेंस विद नेचर, एंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी. डेवलपमेंट के साथ मैंने कहा पेड़ लगाना एंड ऑल. प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग लोकल कल्चरल हेरिटेज, जो लोकल वहाँ का कल्चर हेरिटेज है वो वहाँ का, जैसे कहीं पे बांस का चीज बनाते हैं या जैसे मैंने कहा बनारस का हैंडलूम वो है, तो जो वहाँ का लोकल कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोमोट करना, या कारपेट बनाना जे एंड के में या कहीं कुछ और होगा. इनकल्केटिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस. खुद का हेल्प करना आना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए और सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंडेंट. फॉस्टरिंग पीस एंड हार्मोनी इन द विलेज कम्युनिटी, कोई भी वो नहीं होना चाहिए दंगा फसाद, मतलब शांति होनी चाहिए. ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ. तो एक ट्रांसपेरेंट है ना कि हाँ ऐसा है, इसमें ऐसा चल रहा है सब, अकाउंटेबिलिटी है कि ये चीजें हैं, लाइक इतना ट्रांसपेरेंट कि सब कोई किसी को किसी चीज का डर नहीं. इट शुड बी लाइक दैट. एंड अकाउंटेबिलिटी हर इंसान को होना चाहिए, अपना जो काम किया उसका, कि ये गलत किया या सही किया जो भी उसका. द एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, सो पब्लिक लाइफ में वो ज्यादा लाइक कैसे उस चीज को बैलेंस बनाना. नर्चरिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है अपने में कि हाँ ये नहीं करेंगे, जैसे पंचायत होते थे पहले, बट वो प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए. लोकल सेल्फ आपके पंचायत वगैरह अच्छे से फंक्शन करे, ग्राम पंचायत जो है वो
सो उसको बढ़ावा देना ताकि वो ग्रास रूट लेवल से जुड़े होते हैं और वो ज्यादा अच्छे से अपने लिए डिसीजन अपने लोगों के लिए ले सकते हैं. एडरिंग टू द वैल्यूज एनश्रीन इन द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों का अवेयरनेस होना चाहिए और निभाना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ आदर्श ग्राम. अब आदर्श ग्राम कैसे आइडेंटिफाई होगा? अ ग्राम पंचायत वुड बी द बेसिक यूनिट. तो एक ग्राम पंचायत होता है. इट विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 टू 5000 इन प्लेन एरिया एंड डिस्ट्रिक्ट. तो 3 से 5000 का प्लेन एरिया या डिस्ट्रिक्ट में उसका साइज होना चाहिए ग्राम. इन डिस्ट्रिक्ट वेयर द एवरेज यूनिट साइज इज लार्जर ग्राम पंचायत अप्रोक्सीमेटिंग द डिजायरेबल पॉपुलेशन साइज मे बी चूजन. सो वो ग्राम पंचायत जहाँ पे लार्जर साइज है तो जो डिजायरेबल साइज है उसके अकॉर्डिंगली उनका चॉइस होना चाहिए. और जहाँ पे छोटे छोटे लाइक कम है साइज तो उस हिसाब से 2-3 गांवों का एक यूनिट समझ के उस पे काम होना चाहिए. प्लानिंग विलेज डेवलपमेंट प्लान वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत विद द स्पेशल फोकस ऑन एनेबलिंग एवरी पुअर हाउस होल्ड टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी. बिफोर द फॉर्मल प्लान फॉर्मुलेशन स्टार्ट देयर हैज टू बी सिस्टमेटिक एनवायरमेंट क्रिएशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन विच विल बी स्पीयर हेडेड बाई द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ. द ग्राम पंचायत शुड ऑल्सो बी फुल्ली इन्वॉल्व. Some of the activities which could be considered are interaction, charcha with the Gram Sabha, Mahila Sabha, Bal Sabha, interaction, charcha with occupational groups and local organization including youth clubs. So, ye sari cheeze planning mein ye log ka gram like charcha hona chahiye aapas mein Mahila Sabha, Bal Sabha mein kaise kya karna hai. So, us hisab se plans banenge. यूथ क्लब को और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल एंड स्पोर्ट इवेंट्स होना चाहिए. वॉल राइटिंग शिविर पद यात्रा नुक्कड़ नाटक एक्सेट्रा. नुक्कड़ नाटक वगैरह आपने सुना होगा अलग अलग सोशल टॉपिक पे बनता है जैसे दहेज प्रथा है या कुछ और है वैसे उन पे करते हैं लोग ताकि लोगों को अवेयर कर सकें. पद यात्रा जो चलना 5 किलोमीटर पैर से चल रहे हैं दैट इज शिविर लगाना कैंप्स लगाना. सो ये सारी चीजें. पेंटिंग एंड लिटरेसी कॉम्पिटिशन ऑन हाउ द विलेज कुड बी मेड मॉडल वन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वीडियोज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन विलेज डेवलपमेंट. तो उन लोगों को दिखाएंगे कि अच्छा ये कौन कौन सा जो चलता है प्रोग्राम्स की इस विलेज में ये अच्छा हो रहा है ऐसे हो रहा है तो बाकी लोग भी मोटिवेट हो इंस्पायर हो उस चीज को करने के लिए. देन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द AGY विल रेस्ट विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत एंड द फंक्शनरीज ऑफ द प्रोग्राम्स concerned at different levels. The two must work together to accurately identify the common needs of the village and the needs of vulnerable household in particular, leverage resources of different programs, facilitate people participation in implementation, monitoring and maintenance of works taken up under this scheme. So, jo responsibility hai wo panchayat aur jo dusre function hai jo dusre ऑफिसर्स हों या उनका एट डिफरेंट लेवल्स. सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द होल प्रोग्राम. सो दिस इज ऑल अबाउट आदर्श ग्राम. इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कौन कौन से फील्ड में इकोनॉमिक फील्ड में ये फिर आप पूरा नोट्स पढ़िए इसका. एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पॉलिसी है वो भी पढ़िएगा. एंड आई आस्क क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आप उस पे छोटा सा नोट्स लिख के मुझे दिखा सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. एनीथिंग टिल नाउ? किसी को कुछ पूछना है किसी को कुछ बोलना है? नहीं मैम समझ आया मैम. सब काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे?
प्रोजेक्ट तो मैम ने बनाया, सिर्फ क्लास पढ़ते हैं। सॉरी क्लास, जो आज क्वेश्चन पेपर आपने शेयर किया है तो मैंने उसमें लिखा था सब स्टार्ट करेंगे ना, उसपे शेयर करेंगे ना एक दो दिन में मुझे। हाँ मैम, मैंने एक तो लिख के दे दिया था, बाकी आगे का दूसरा कुछ। कोई बात नहीं, एक ही चाहिए। और आपका मीडियम हिंदी है अगर, तो आप दो तीन भी करेंगे तो अच्छा है, जो लोग उनको दिक्कत है वो को फायदा हो जाएगा उनको। नहीं मैम, हिंदी में मैं लिखता हूँ लेकिन रोज एक एक करके दूंगा, ऐसा है। हाँ हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर करते रहिए, जब आप लिखेंगे तो आपका भी रिविजन हो जाएगा और बाकियों को फायदा हो जाएगा, उनको बुक्स वगैरह नहीं डाउनलोड कर पाए या नहीं दिक्कत है ज्यादा। और किसी को कुछ, एनीवन? बाकी मैम जो बच्चे पूछते हैं कोई चीज हमें जानकारी रहती है तो मैं जानकारी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। मुझे पता है, बहुत अच्छा है और आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं और देख के अच्छा लगता है, तो आप तो इंस्पायर करते हैं सबको, आदर्श ग्राम तो आदर्श स्टूडेंट भी तो होना चाहिए हर बैच में। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई किसी को कुछ पूछना है? है ही नहीं क्या कोई? एक बार अपनी शक्ल दिखाइए, बिकॉज टुडे इज द लास्ट क्लास, अब नेक्स्ट आई डोंट नो। बाबू देखो, अरे वाह, आपका बेटा है? यस मैम। अरे वाह, बताओ, कोई अपने चेहरे नहीं दिखाते, और लवली फेसेस। So I don't know whether I'll be taking next two blocks or not, but ye last class hai, but we I am in there in group, so anytime any help you all can always approach. Good evening, bolo. Hi, good evening. एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, भूल जाऊंगी नहीं तो।